दो भरा कि मकान च रोवे उनका यह सर्वे करी है उनका नंबर वीडियो मतलब ग्राम सेवक जिनके मार्गदर्शन में इस वाणी को विराम देता हूं, जब भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, बड़े प्यार से सुना, बड़े प्रेम से सुना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी दी स्कीमां उंदियां योजना उंदा जिहड़ा 10 साल का कार्यक्रम है उसते अपनी रोशनी पाई है और मेरे ख्याल थोड़े कोला वध ना कोई रोशनी पाई सकता तो ना कोई उस रोशनी सुझी सकता। क्या सिर्फ 10 साल के बीच आज देश जिहड़ा है कुत्थों दे कुत्थे पुज गया, आज देश का नाम कुत्थे, आज पूरी दुनिया के देश का नाम जिहड़ा है डंके चोट के उपर बजा करता, आज पूरी दुनिया अमरीका रशिया बरतानिया आस्ट्रेलिया फ्रांस आज सब जिहड़े हिंदुस्तान के पास दिखा करते हैं। जो कोई टाइम है तो 10 साल पहले असें ही उन्हें मगर फिरने पौता, अज वो देश साढ़े मगर फिरा दे, भारत देश के मगर फिरा करते, सारे प्रधानमंत्री ने दसवीं प्रधानमंत्री मोदी जी के मगर फिरा करते, क्या फिरा दे कोई पार्टी है अज उन्हें कोई देश क्या उन्हें बचाया है। अज तो अस सुरक्षा के उपर अस गल करते हैं और मेरे ख्याल से अगर 10 साल बाद पहली गल करते अज तुम सारे जो इतने बैठे हो उस वे साढ़े दिलों के देश की सुरक्षा के मुतालिक मना के गल उठती और अज साडे देश दे साडे दिलों दे विच के गल उठती है ये असें की पता है। अज अस बड़े शान और शौकत करना और छाती बजाई अस दसी सकने हैं कि अस दुनिया कन्नै मुकाबला करी सकने हैं, इसे हिंदुस्तान दे दा सेटा देश की मजबूत किया है। अस फाइनांस दे लिहाज से करना अज देश जिहड़ा है वो पंजवें स्थान उपर दुनिया दे विच आ गया, बड़ी जल्दी भी गया त्रीए स्थान उपर आने आया, ये सब कुछ कहने वाला मोदी जी और जरा पूरी जनता जनार्दन का हर कौम का हर बरादरी का हर टकबे का जरा समर्थन मिला करता है उन्हें नुहाड़ी वजह कहना भूआ करता है। आखोगे कल्ले कोई मोदी जी है या जो अस लोग कार्यकर्ता है इतना सारा है हर जनता का हर जी का जोड़ा भी हिंदुस्तान का आवाम है या चाहे वह कोई भी है वो साड़ी नज़र च है चाहे वह नहीं भी है लेकिन थोड़ा एक योगदान है इस देश वास्ते इस पार्टी वास्ते इसकी मजबूत करने वास्ते वो कुछ करा करते हैं। और मेरा इे है कि अच्छ असें इतों का आगाज शुरू किया है असें थोड़ी सारे की जरूरत है असें हर पिंड और ग्रां के बिच इं हर तबके करना हर फिरके करना असें अपना संपर्क भी बधाना है लोगों ने भी जाना है क्या जड़िया योजना चलिया योजना जा रही क्या जरा साढ़े प्रधानमंत्री मोदी जी आखते हैं कि जरा लास्ट बंदा एक कुल नौकर बड़िए बैठे रहे क्या उस तक भी योजना पुजा करती नहीं पुजा रही है तक कुछ भी फायदा मिला रहा कि नहीं मिला रहा यह सारा थोड़ा एक फर्ज बनता है कि अस तुस लोग अपने अपने पिंड अपने ग्रां के बिच उसकी जाइए देखते कि क्या उसकी नुहाड़ा फायदा मिला रहा नहीं मिला रहा मिला रहा तो ठीक है नहीं मिला रहा तो क्या नहीं मिला रहा नुहाड़ी कुत्थे टुटी रवा दी है अस कुत्थे उसकी दूर करते मैं भी गल नहीं आता कि अस 100% बिल्कुल ठीक उतरा रहे कुछ सकता 5-10% अच्छा ठीक लेकिन असें पूरा है कि अस जो कुछ करा रहे भारतीय जनता पार्टी जो कुछ करा रही है मोदी नरेंद्र भाई मोदी सरकार जो कुछ करा कर रही है ठीक करा जिस वेला कुछ कोई बदलाव भी आते मैं दूसरी गल भी आ जाता है कई बार कुछ लोग सारे वो करते हैं तकलीफ होंगी है वो असें झलनी चाहिए है अब सारा एक सिस्टम विजय साथियों आख्या कि अस अपने नौकरियों के गलत के बिच गए
अभी बड़ी पारदर्शिता जी नॉलेज भी आवा कर अज कोई बच्चा एक गल नहीं आखिर लगता कि महाराज मेरे नंबर वध है तो मेरा घाटे नंबर आना वो आई है अज उ आएगा जो टॉप करा दो जिसे अच्छे नंबर मैरिट से आएगा अजो कि लेकिन जिसे नहीं आओ तो उस तकलीफ से होनी है कोई दौर आए जिया कि अब किसानी की गल करते हैं अज कोई ऐसा आदमी नहीं सर अस जम्मू कश्मीर होर से गल रही रही जिसी पांच पांच लाख का बीमा नहीं मिले होगा इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस महाराज अभी जो मिले लेकिन यह तो सारे ही मिले जम्मू कश्मीर का जोड़ा भी कोई बंदा यही करना चाहिए कि अभी नहीं है हर एक कार्ड है परमात्मा ऐसा करे नहीं कुछ ही कोई बीमार नहीं करे लेकिन अगर वह करे मुझे पता है कि मेरा पांच लाख का जोड़ा है मेरा शोर होएगा है मेरा पांच लाख का राज होना है। प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा स्वच्छ भारत अभियान कोई सोच नहीं सकता था लोग सोचते थे कि क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छ भारत फिर छोटी छोटी योजनाएं जनधन योजना आम लोगों में एक धारणा होती थी कि बैंक जो है अमीर लोगों के लिए होता है सामान्य गरीब आदमी बैंक में कभी जाने की सोचता भी नहीं था वहां की चकाचौंध वहां जाना फार्म भरना कैसे भरेंगे कहां जाएंगे किससे पूछेंगे कोई सोचने गरीब आदमी कभी सोच ही नहीं सकता था परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जनधन योजना लाई हर गरीब का खाता खुलेगा 51 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुलेगा आप ये जितनी विषय है कि इतना ज्यादा और बिना पैसे के अकाउंट खोलना अरे ये तो संभव ही नहीं था परंतु वो भी हुआ इस देश में।